इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद जब कांग्रेस कमेटी की वोटिंग हुई थी फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल मेजोरिटी से जीत गए थे टू बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बट फिर बाद में महात्मा गांधी ने सरदार पटेल को पीएम पद से विड्रॉ करने को बोला एंड देन जवाहरलाल नेहरू बिकेम द फर्स्ट सेल्फ प्रोक्लेम्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडियन हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में हम हमेशा से ये सुनते आए कि जवाहरलाल नेहरू एक विजनरी लीडर थे, बट नेहरू ने अपने कार्यकाल में कुछ ऐसे बड़े ब्लंडर्स किए जिसकी प्राइस इंडिया आज भी चुका रहा है। सो लेट्स फाइंड आउट हाउ नेहरू डिस्ट्रॉयड इंडिया। नंबर वन, क्रिएटेड द कश्मीर इशू। 1947 में जब इंडिया का पार्टीशन हो रहा था तो उस समय जम्मू कश्मीर वॉज रूल्ड बाई किंग हरी सिंह, बट पार्टीशन के ठीक दो महीने बाद ऑन 22 अक्टूबर 1947 पाकिस्तान अटैक जम्मू एंड कश्मीर। इस अटैक से बचने के लिए राजा हरी सिंह ने तब के समय के होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलिट्री असिस्टेंस मांगी। इस पर पटेल ने उनसे कहा डेट वो तब तक उनकी मदद नहीं कर सकते जब तक वो जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया में एक्सीड नहीं कर देते। और फिर इसके बाद ऑन 26 अक्टूबर 1947 में राजा हरी सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करते हुए जम्मू एंड कश्मीर को ऑफिशियली इंडिया का पार्ट बना दिया। इसके तुरंत बाद इंडिया ने अपने मिलिट्री ट्रूप श्रीनगर भेजे एंड द फर्स्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान टुक प्लेस। इस वॉर में इंडियन सोल्जर्स ने पाकिस्तान को बैकफुट में ला दिया था, बट फिर उस समय लॉर्ड माउंटबेटन जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा अपॉइंटेड इंडिया के वॉइस रॉय थे, उन्होंने नेहरू को कश्मीर इशू को यूनाइटेड नेशंस में ले जाने को कहा। सरदार पटेल इस मूव के बिल्कुल खिलाफ थे एज ये हमारा इंटरनल मैटर था और कोई भी यूनाइटेड नेशंस जैसी फॉरेन बॉडी को इस पे इंटरफेयर करने नहीं देना चाहिए था। बट इसके बावजूद नेहरू रेफर द कश्मीर इशू टू द यूनाइटेड नेशंस और फिर तब से लेकर आज तक कश्मीर इशू हैज नॉट येट बीन रिजॉल्व्ड। इनफैक्ट पाकिस्तान आज भी यूनाइटेड नेशन में ये फैक्ट को क्लेम करता है दैट नेहरू ने कश्मीर इशू को यूनाइटेड नेशन में रेफर किया था, व्हिच इंडिकेट्स दैट कश्मीर इज ए डिस्प्यूटेड टेरिटरी। नंबर टू, रिजेक्टेड ए परमानेंट सीट एट यूएन। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 जीतने के बाद यूएसए, रशिया, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को फॉर्म किया था, बट फिर 1955 में जब यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था तो उस समय अमेरिका ने नेहरू को यूएन में परमानेंट मेंबरशिप ऑफर की थी। उस समय नेहरू रिजेक्टेड दिस ऑफर एंड ही सेड दैट हम यूनाइटेड नेशन का पार्ट नहीं बन सकते विदाउट चाइना। ही गेव फुल सपोर्ट टू चाइना फॉर द परमानेंट मेंबरशिप इन द यूएन। आज के समय अगर हमारे पास यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट होती तो वर्ल्ड स्टेज में इंडिया की स्टैंडिंग बहुत ज्यादा ऊपर होती और हमारे पास वीटो पावर भी होता टू ओवरटर्न एनी डिसीजन व्हिच इज अगेंस्ट इंडिया इन द यूनाइटेड नेशन। नंबर थ्री, 1962 इंडो चाइना वॉर डिबैकल। अर्ली 1950s में चाइना कुछ इंडियन टेरिटरीज को अपना क्लेम करती थी। इनफैक्ट कई चाइनीज मैप्स में अक्साई चीन को चाइना का पार्ट दिखाया जाता था। नेहरू को इसके बारे में पता था बट इसके बावजूद नेहरू रिमेन्ड क्वाइट इंस्टेड ऑफ रिजॉल्विंग द इशू। इनफैक्ट कई इंडियन मिनिस्टर्स ने नेहरू को इस इशू को सॉल्व करने बोला। तो इस पर नेहरू ने ये कहा था दैट अक्साई चीन में तो घास तक नहीं उगता। वॉज दिस रीजन जस्टिफाइड? आई मीन हाउ कैन ए प्राइम मिनिस्टर कीप क्वाइट इवन दो ही नोज दिस थिंग दैट कोई दूसरी कंट्री हमारे लैंड को अपना क्लेम कर रही है? हाउ? इसके साथ साथ 1950s में जब चाइना ने तिब्बत को इन्वेड किया तो उस पर भी नेहरू ने कुछ नहीं किया। एक फ्री तिब्बत इंडिया की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा वाइटल था और उस समय इंडिया एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में था टू डिफेंड तिब्बत एज चाइना उस समय उतना पावरफुल नहीं था। इसके साथ साथ इंडिया को उस समय इंटरनेशनल सपोर्ट भी मिल रहा था एज यूएस और यूके चाइना के इस अग्रेशन के बिल्कुल अगेंस्ट थे। बट इसके बावजूद नेहरू ने कुछ नहीं किया एंड ही सैक्रिफाइज्ड इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट। और फिर क्या था, नेहरू हिंदी चीनी भाई भाई करते रह गए और फिर अचानक से 1962 में चाइना अटैक इंडिया। इस अटैक में 3000 से ज्यादा इंडियन सोल्जर्स मारे गए और फिर इस वॉर के बाद चाइना ने 38,000 स्क्वायर किलोमीटर के इस एरिया को कैप्चर कर लिया एंड टू दिस डे इंडिया पेज द प्राइस फॉर दिस। चाइना कंटिन्यूज टू बी ए सीरियस प्रॉब्लम फॉर इंडिया। नंबर फोर, रिफ्यूजल टू एंटर न्यूक्लियर डील। इन 1964 यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने इंडिया को न्यूक्लियर डिवाइस डेवलप करने में हेल्प करने का ऑफर दिया था, बट नेहरू रिजेक्टेड दिस ऑफर बिकॉज ही वॉज अ प्रोपोनेंट ऑफ नॉन वायलेंस। अगर उस समय नेहरू ने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया होता तो इंडिया ना सिर्फ एशिया की पहली कंट्री बन जाती बिफोर चाइना टू टेस्ट ए न्यूक्लियर डिवाइस, बट इसके साथ साथ चाइना कभी भी इंडिया पर अटैक करने की हिम्मत नहीं करता और अक्साई चीन हमारे हाथ से कभी गया नहीं होता और साथ में पाकिस्तान के अगेंस्ट कई वॉर भी अबैंडन किए जा सकते थे। नंबर फाइव, डिस्ट्रॉयड इंडियाज इकोनॉमी। नेहरू सोशलिज्म में विश्वास रखते थे और वो एक फ्री मार्केट इकोनॉमी के बिल्कुल अगेंस्ट थे, जिसके वजह से 1960s में इंडिया में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था। इनफैक्ट ही सेड वंस दैट प्रॉफिट इज अ डर्टी वर्ड। नेहरू ने सोवियत यूनियन जो कि एक कम्युनिस्ट कंट्री थी उनको फॉलो करते हुए कुछ ऐसे पॉलिसीज बनाए जहां पे स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर था टू रन एनी काइंड ऑफ बिजनेसेस। लोगों के पास हद से ज्यादा पैसे ना हो और
लोग स्टेट गवर्नमेंट में डिपेंडेंट रहे, इसके लिए नेहरू ने उस समय टैक्सेस हाई कर दिए थे। नेहरू के इन पॉलिसीज ने ना सिर्फ उस समय इनकम इनइक्वालिटी को वाइडन किया था, बट इसके साथ साथ इट ऑल्सो डिस्करेज द स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। और हाँ, इसके साथ साथ मैं एक एडिशनल पॉइंट भी बोलना चाहूंगा, डेट बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी डेट एक समय नेपाल और बलूचिस्तान दोनों इंडिया का पार्ट बनना चाहते थे, बट गेस वॉट, हु रिजेक्टेड दिस ऑफर? इट वॉज अगेन नेहरू। ही अगेन इग्नोर्ड ऑल द जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस दीज रीजन्स हेल्ड। देखिए, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, एंड वी एज ह्यूमन बींग्स वी आर ऑल बाउंड टू मेक मिस्टेक्स, बट ऐसे मिस्टेक्स जो अवॉइड किए जा सकते थे, दे आर नॉट जस्ट मिस्टेक्स, दे आर ब्लंडर्स, एंड नेहरू डिड इट नो मैटर वॉट एनीवन सेज। एंड नाउ इफ यू आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज, देन वॉच दीज वीडियोज विच आर राइट इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, एंड ट्रस्ट मी, आप इन वीडियो से बहुत कुछ नया सीखोगे, सो डू गिव इट अ वॉच। एंड नाउ, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बी द चेंज।